एल्विश यादव से ईडी की पूछताछ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बॉम्बे हाईकोर्ट से इंद्राणी मुखर्जी को बड़ा झटका लगा। अदालत ने इंद्राणी को फिलहाल विदेश जाने की इजाजत नहीं दी। वो शीनापुरा हत्याकांड के आरोपों से घिरी हुई है। इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने इंद्राणी को 10 दिनों की यूरोप यात्रा की मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब सीबीआई ने इंद्राणी की याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई कि वो भाग सकते हैं। बिहार के बगहा में एसएसबी के कुछ जवान 9 लोगों के लिए देवदूत साबित हुए। दरअसल सोनहा नदी में अचानक उफान आ गया, जिसकी वजह से ये सैलानी एक वाहन में फंस गए। ऐसे में वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद एसएसबी जवानों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस तरह इन सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और वाहन भी बहने से बचा लिया। यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी ने पूछताछ की। दरअसल सांपों के जहर के मामले में उन्हें लखनऊ के दफ्तर में बुलाया गया था। हालांकि पहले एल्विश ने खुद के विदेश में होने की वजह से 8 जुलाई की पेशी से मोहलत मांगी थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में बह रहे एक कांवड़िए को जल पुलिस और एसडीआरएफ के गोताखोरों ने बचा लिया। दरअसल कांगड़ा घाट पर नहाते समय ये कांवड़िया गंगा के तेज बहाव के चपेट में आ गया और बहते हुए डूबने लगा। फिर तुरंत गोताखोरों ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। इस तरह उन्होंने हरियाणा के रहने वाले पवन कुमार को बचा लिया। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने उत्तराखंड के देहरादून से 3 ठगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप है कि ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 4 लाख रुपए, 8 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 28 एटीएम और कई दस्तावेज बरामद किए हैं।